दोस्तों आप लोग सोलर इस्तेमाल करते हैं यानी कि सोलर इन्वर्टर इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास दोस्तों आपका जो मीटर है या फिर डिस्प्ले में आपको एक परसेंटेज लोड के हिसाब से आपका जो लोड शो होता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं यूटीएल ग्राउंड प्लस, तो इधर डिस्प्ले में सेक्शन में हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि इधर जो लोड है वो परसेंटेज के हिसाब से शो होता है। लेकिन दोस्तों एक प्रॉब्लम होता है कि जब हम लोग छोटा मोटा लोड इसमें डालते हैं तो इस मीटर में शो नहीं होता है। तो इसका कारण क्या है या फिर इसका लॉजिक क्या है, तो आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपको दोस्तों हमारा जो पीछे का साइड आप दोस्तों प्लग है यानी कि लोड का जो बिल्डिंग का लोड है उसको अनप्लग कर दिया है, तो सिर्फ और सिर्फ लोड इसमें डायरेक्टली डालूंगा और आपको दिखाऊंगा। दोस्तों हम लोग लोड के सेक्शन में चलते हैं और आप लोग देख सकते हैं कि इधर आपको लोड शो हो रहा है और दोस्तों इधर जो परसेंटेज है 0% शो हो रहा है। तो दोस्तों क्योंकि मेरा इन्वर्टर भी ऑफ है तो इसको ऑन कर लेते हैं तो उसके बाद भी 0% शो हो रहा है, तो एकदम अच्छे से हमारा सिस्टम वर्क कर रहा है। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं छोटा सा एक लोड से। जैसे कि हमारे पास एक लाइट है वो बेसिकली दोस्तों 20 वाट के आसपास कंज्यूम लेता है। तो दोस्तों इसको हम लोग डायरेक्टली प्लग में या फिर पोर्ट में डालते हैं और दोस्तों देखते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा लोड ऑन हो चुका है, लेकिन दोस्तों हमारा जो लोड जो है डिस्प्ले में शो नहीं हो रहा, क्योंकि दोस्तों हमारे दोस्तों ये लोड जो है ये बहुत ही कम है जो मीटर डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो इससे थोड़ा और लोड डाल के देखते हैं। दोस्तों इसके बाद हम लोग 40 वाट का एक लोड डालेंगे दोस्तों, जो बेसिकली टेबल लैंप हम लोग यूज करते हैं। दोस्तों इसको हम लोग पोर्ट में डाल के देखते हैं। दोस्तों इसको पोर्ट में डालने के बाद भी सेम ही सेम कंडीशन वो भी रह चुका है, हमारे डिस्प्ले में कुछ भी दोस्तों लोड नहीं शो हो रहा है। दोस्तों ये प्रॉब्लम क्या है, ये मीटर में क्यों नहीं डिटेक्ट हो रहा है, इसका तो परसेंटेज दिखाना चाहिए था लेकिन दोस्तों शो क्यों नहीं हो रहा है। तो इससे क्या हम लोग अनलिमिटेड चला सकते हैं दोस्तों, और एक एग्जाम्पल आपको दिखाने के बाद इसको समझते हैं। दोस्तों इससे थोड़ा तो इससे लोड हम लोग और दिगुना कर देते हैं। जैसे कि 40 वाट से 80 वाट का एक लाइट आपको दिखाऊंगा दोस्तों, 75 से 80 वाट कंज्यूम लेता है, तो इसको हम लोग पोर्ट में डाल देते हैं और ऑन करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों इधर हमारा जो लोड है वो हम लोग शो हो रहा है दोस्तों, जो 7% लोड कंज्यूम कर रहा है। जैसे कि इसका लाइट का दोस्तों कंज्यूमेबल जो लोड है यानी कि वाट है वो दोस्तों 75 वाट से 80 वाट के बीच में है, तो एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। तो दोस्तों आप लोग कह सकते हैं कि इधर हम लोगों को शो हो रहा है लेकिन दोस्तों उससे कम वाट में शो क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज दोस्तों हमारा जो इधर कैपेसिटी है हमारा इन्वर्टर का वो दोस्तों 1 kW का है, तो उसके हिसाब से ये डिजाइन करके रखा है। तो दोस्तों हम लोग मिनिमम छोटा जो इससे लोड डालेंगे तो नहीं शो हो रहा है। तो दोस्तों हम लोगों को मिनिमम हमारा जो लोड है वो 70 वाट से ऊपर देना चाहिए, तो उसके बाद ही ये दोस्तों आपका मीटर में लोड शो होगा। दोस्तों इस लोड को हम लोग कैसे कैलकुलेट करें, दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 1 kW का मतलब होता है 1000 वाट, तो दोस्तों हम लोग 10% इसका हो गया है 100 वाट। तो आप लोग मीटर में जब 10% लोड शो होगा तो इसका मतलब है हमारा 100 वाट का लोड चल रहा है, लेकिन दोस्तों इधर हम लोगों को डिस्प्ले में 7% शो हो रहा था तो इधर हम लोगों को क्या होगा, तो दोस्तों 70 वाट कंज्यूम हो रहा है जो हमारे लोड के हिसाब से एकदम एक्यूरेट है और दोस्तों एक्यूरेट रिजल्ट हमारा मीटर शो कर रहा है। तो दोस्तों आप लोग भी इस तरीके का कुछ भी आपका 1 kW का जो इन्वर्टर है तो वो आप लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं आपके परसेंटेज के हिसाब से हमारा कितना लोड कर चल रहा है। तो दोस्तों ऐसा करके आपका जो मन में डाउट है, जैसे कि ये अनलिमिटेड टाइम नहीं चल सकता क्योंकि दोस्तों ये एक्चुअली आपका लोड चल रहा है लेकिन दोस्तों हमारा मीटर जो है वो कम लोड होने की वजह से डिटेक्ट नहीं कर रहा है, तो दोस्तों ये आप लोग नोट करके रखिए। आप एक नया यूट्यूबल ग्राउंड प्लस को इस्तेमाल कर रहे हैं तो इधर ऐसा प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, तो वो आप लोग इग्नोर कीजिए क्योंकि दोस्तों आपका लोड ज्यादा होगा तभी आपको डिटेक्ट कर पाएगा आपका सिस्टम। तो दोस्तों वीडियो को इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।